बुलंदशहर से रेशु कुमार, पत्रकार की रिपोर्ट। पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत की हो सीबीआई जांच, सतीश कुमार। पत्रकार की मौत नहीं बल्कि निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता पर हुआ है हमला। पत्रकारों के गंभीर मामले में प्रदेश सरकार उदासीन। बुलंदशहर बुधवार को शिकारपुर तहसील पत्रकार एसोसिएशन ने सुलभ श्रीवास्तव हत्याकांड को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एसडीएम वेदप्रिया आर्य को सौंपा ज्ञापन। वही उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में टीवी पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की दुर्घटना में मौत नहीं बल्कि यह निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता पर हमला है। बता दें कि 13 जून 2021 को प्रतापगढ़ के टीवी पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी ने इसे निर्मम हत्या कहा है। घटना से पहले उनके द्वारा चलाई गई खबर से बौखलाए शराब माफियाओं ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी और अपनी सुरक्षा के लिए सुलभ श्रीवास्तव ने पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भी दिया था। अंततः सुलभ श्रीवास्तव के साथ यह घटना घटित हो गई। जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुलभ श्रीवास्तव की मौत की घोर भर्त्सना करते हुए उनके परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के साथ घटना की निष्पक्ष जांच की मांग प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ से की है। इसी के साथ संगठन ने अविलंब अपराधियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। तहसील पत्रकार एसोसिएशन शिकारपुर के मीडिया कर्मियों में फरीद अंसारी, डीके निगम व सतीश ने कहा कि आज प्रदेश में पत्रकारों के साथ तमाम उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। यहां तक कि कई पत्रकार साथियों की अपराधियों ने लीला समाप्त कर दी है। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए देश व प्रदेश में कोई कानून नहीं है। संगठन देश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री व राज्य के मुख्यमंत्रियों से आगे कदम बढ़ाते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की पुनः मांग करता है, जिससे देश के पत्रकार अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और निष्पक्ष और निर्भीक होकर पत्रकारिता कर सके। साथ ही संगठन ने कहा कि पत्रकार ने एक दिन पूर्व भी अपने साथ अनहोनी होने की आशंका से जनपद के पुलिस अधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया था। यदि समय रहते पुलिस अधिकारियों ने पत्र का संज्ञान ले लिया होता तो शायद पत्रकार की जान बच जाती। आज पत्रकार को सच का सामना कराने पर धमकियां मिलना शुरू हो जाती है। विरोध करने पर पत्रकार पर ही आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप दबंगों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। यदि पत्रकार ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ कैसे निष्पक्ष और निर्भीक होकर अपने काम को अंजाम दे पाएगा। इस अवसर पर पत्रकार डीके निगम, फरीद अंसारी, अशोक पाठक, बबली अंजान, शिव कुमार, सतीश कुमार, मुकेश आर्य, मुमताज अली, सलमान हैदर, सुभाष सिंह, कालू भैया, इरशाद मलिक, जूरगाम हैदर, पंकज शर्मा, सुनील सूर्या, मोनू कुमार, तेजवीर शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। हमारे पत्रकार साथी सुलभ श्रीवास्तव की इस सड़क हादसे में मौत बताई गई है, लेकिन वो मौत नहीं एक हत्या है। और जिला बुलंदशहर की मीडिया इस घटना की कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है और दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग करती है। और इस संबंध में आज उप जिलाधिकारी शिकारपुर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। जो दोषी हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाए और परिवार की सुरक्षा हेतु सख्त लाइसेंस दिया जाए और 50 लाख रुपया आर्थिक मदद की जाए परिवार की। जो मीडिया कर्मी हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, भाजपा सरकार में कई मीडिया कर्मियों की पूर्व में भी हत्या की जा चुकी है, लेकिन किसी को भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। और ये जितने भी हमारे कलमकार हैं ये बार बार प्रशासन को चेताते हैं कि भाई हमें न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। सुरक्षा हमारे देश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक पत्रकारों को कानून लागू किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और ये सरकार जो है केवल पत्रकारों के लिए केवल लॉलीपॉप बांट रही है और कुछ नहीं इसके सिवा। प्रतापगढ़ में श्री सुलभ श्रीवास्तव की हत्या की गई है, लेकिन प्रशासन जो है उसे एक्सीडेंट दिखा रहा था, लेकिन जांच के आधार पर पता चला कि उसे शराब माफियाओं ने इसकी हत्या की गई है। आए दिन जो है शराब माफियाओं द्वारा ऐसे पत्रकारों पर हमला बोला जा रहा है जो सच्ची खबर चलाते हैं, उनके खिलाफ जो उनकी घटनाओं को दिखाते हैं, अवैध शराब बेचने की सारी घटनाओं को दिखाते हैं। तो शराब से आए दिन कांड हो रहे हैं, आपके बुलंदशहर में जीतगढ़ी में हुआ है, अलीगढ़ में हुआ है आपके, लेकिन कई मौतें हो रही हैं शराब से, लेकिन शासन प्रशासन इस पर गौर नहीं दे रहा है। और अगर पत्रकार इस खबर को सच्ची तरह से दिखाएं तो उनकी हत्या कर दी जाती है, उन पर हमले बोल दिए जाते हैं। कई घटना आपके प्रदेश में हुए हैं, पहले भी हो चुके हैं, कई पत्रकारों की मौत हो गई है, लेकिन सरकार जो है इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती है। और जो सरकार वादे करती है उन पर हवाई दिखाते हैं, कुछ नहीं हो पाता उन पर जो है। और मैं तो यह चाहता हूँ कि शराब माफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके और शराब का जो सेवन है बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए, जैसे बिहार सरकार ने बंद कर रखा है शराब सेवन, इसी तरह यूपी सरकार भी जो शराब का सेवन बंद करे और आए दिन जो
पत्रकार पर जो हमले हो रहे हैं वो बंद हो जाए, ताकि और हमारे देश की जो जनता शराब पीकर नष्ट हो रही है, मर रही है, भुखमरी की कगार पर आ रहे हैं, कम से कम उनका उनके बच्चों का परिवार जीवन अपन अच्छी तरह से हो जाए। तो मेरा यही कहना है सरकार जो है इसको शराब को सेवन का बंद करे और इन अधिकारियों इन भ्रष्ट शराबियों के खिलाफ जो है माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। हाथी के दांत दिखाने वाले और खाने वाले और होते हैं सरकार भाई, भाजपा सरकार का यही हाल है कि कहती कुछ है करती कुछ है, जो कहती है करती नहीं है। ये जो है ऐसी चलता आ रहा शुरू से जो है, काफ़ी मामले पत्रकारों को आपको पेंडिंग पड़े देखेंगे। आज तक जो है पत्रकार के खिलाफ हुई घटना का सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, ना क्षेत्रीय प्रशासन संज्ञान लेता है, ना ही सरकार संज्ञान लेती है। हादसे हो जाते हैं, मौत हो जाती है, लिखने के बाद गलत खबर चल जाती है, लेकिन उसके बाद कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। सुलभ श्रीवास्तव जी एक पत्रकार थे, निर्भीक निष्पक्ष पत्रकार थे। जैसा कि उत्तर प्रदेश में शराब माफियाओं के खिलाफ इस वक्त एक मुहिम चली हुई है और जहरीली शराब कांड चल रहा है, और उत्तर प्रदेश में जिला अलीगढ़ में शराब कांड से बहुत सारे लोग मारे गए हैं, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के सुलभ श्रीवास्तव शराब माफियाओं के खिलाफ एक मुहिम चलाए हुए थे, और उन्होंने शराब माफियाओं को के खिलाफ खबर चलाई जिसका उन्हें अपनी जान देकर जुर्माना भुगतना पड़ा। सुलभ श्रीवास्तव ने प्रतापगढ़ के DM और कप्तान से अपनी जान की सुरक्षा के लिए डिमांड भी की थी कि मेरी सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन अगले दिन वे मर पाए गए, जिसमें उनका जो मौत थी वो एक्सीडेंट में होना बताया गया था, जबकि जांच द्वारा पता चला है कि शराब माफिया ने उनकी हत्या की है। और हम सारे पत्रकार इस पत्रकार की हत्या की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, जिसको लेकर हमने SDM साहब को एक ज्ञापन दिया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है, और हत्यारों को तुरंत अविलंब कार्रवाई कर गिरफ्तार करने की मांग की है।